यार इतनी सारी रील्स वीडियो बना रहा हूँ लेकिन व्यूज ही नहीं आ रहे, कैसे हम जेन्युइनली इंक्रीज कर सकते हैं व्यूज? टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गैस अगर आप भी एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं तो ऐसे में जो आप जरूर से रेगुलरली रील्स वीडियो अपलोड करते होंगे, तो ऐसे में जो अगर आपके रील्स वीडियो पे कम व्यूज आ रहे हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं देखने मिल रहा, लाइक्स और व्यूज काफी ज्यादा कम है, तो आप जो है काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यस गैस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप जो है आप अपनी रील्स वीडियो पे व्यूज इंक्रीज कर सकते हो, वो भी जेन्युइनली। वीडियो आपको एंड तक देखते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। सो गैस सबसे पहले मैं आप सभी को जो है यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ, कोई भी हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। तो अराउंड मैंने आज से 3-4 दिन पहले रील्स वीडियो डाली थी अराउंड 15 अगस्त को, तो आप देख सकते हो इस पे जो है 1 घंटे में ही 1000 व्यूज आ गए थे। वैसे मेरे नॉर्मल वीडियो पे 1000 आते हैं, लेकिन आप देख सकते हो 1 घंटे के अंदर ही 1000 आ गए थे। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा इनएक्टिव हूँ, यानी ज्यादा जो है स्टोरीज और ये सब नहीं डालता हूँ, तभी भी जो है इस तरीके से ट्रेंड करा। एंड इतना ही नहीं गाइस, इस पे जो अभी अराउंड 4000 से ज्यादा व्यूज है, व्यूज टू लाइक रेशियो जो है काफी ज्यादा अच्छा खासा है। एंड काफी सारे लोगों ने इसको अपनी स्टोरीज में भी शेयर करा था, तो भाई ये जो है सब कुछ जेन्युइनली है। तो हम बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको टोटल पे जो मैं टोटल आपको 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो मैंने इस वीडियो को वायरल करने में यूज करी। सबसे पहले गाइस, नेवर मिस एनी इवेंट्स। तो गाइस यहाँ पे आपको इवेंट का ये मतलब नहीं है, कोई इवेंट हो रहा है या कोई फेस्ट हो रहा है वहाँ पे आपको जाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पता होगा इंडिया में काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है एंड फिर रक्षाबंधन, फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो आपको जो है ये मूवमेंट्स कभी भी मिस नहीं करने हैं, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ट्रेंड मिस नहीं करना है। तो आपको बेसिकली जो है, जैसे अगर 15 अगस्त था अभी, तो आप जो 15 अगस्त से रिलेटेड एक अच्छी वीडियो बनाओ, कोई भी मैं नहीं कह रहा गलत चीज में, ऐसे आप जो है एक अच्छी वीडियो बना दो जो काफी सारे लोगों को मोटिवेट भी करे या फिर नॉलेजेबल हो, काफी सारे अच्छे हो, एंटरटेनिंग हो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वो मैं आपको कंटेंट नहीं बता सकता किस टाइप की वीडियो बनानी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो है ये इवेंट्स कभी भी मिस नहीं करने हैं, ये जो आपके गोल्डन चांस होते हैं, तो आप बोल सकते हो इस पे जो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो इससे इंटररिलेटेड है, यहाँ पे जो आपको हैशटैग यूज करना है, भाई कोई भी हैशटैग नहीं है लाइक फॉर लाइक और फॉलो प्लीज ये वो, तो यार ये सब हैशटैग नहीं यूज करने हैं। आपको जो है वो हैशटैग यूज करने जो उस टाइम पे ट्रेंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्रिसमस है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप मेरी क्रिसमस, क्रिसमस, एक्समस जो भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो आप जो है गूगल पे सर्च करके हैशटैग मिल जाएंगे, तो आपको वही हैशटैग्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो आपकी जो है रैंक करेगी कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी चीज के बारे में जो बहुत ज्यादा काम की, काफी सारे लोग जो है यहाँ पे ध्यान भी नहीं देते हैं, क्वालिटी वीडियोस। अब भाई यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है रील्स वीडियो में आप जो है क्वालिटी सेट कर दो, लो हाई ये सब, ये आपको ध्यान देना है कि आपकी ऑडियंस जो है यहाँ पे क्वालिटी वीडियो देखने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यार आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो आपको हाई क्वालिटी में ही पसंद है। किसको पसंद है भाई 144 पिक्सल में देखे या 240 पिक्सल में देखे, सबको जो है फुल HD या HD 4K में पसंद है। तो आपको जो है ये चीज ध्यान देनी है, ये नहीं मैं कह रहा कि कैमरे से शूट करो या महंगे महंगे 10-10 लाख के DSLR के लेंस लगा के शूट करो, नहीं। आपके पास अगर नॉर्मल फोन है उसमें ट्रिपल कैमरा, डुअल कैमरा, क्वाड कैमरा, उससे आप शूट कर सकते हो, सिंगल कैमरा फोन भी काफी ज्यादा अच्छा कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी रील्स वीडियो ऐसी है, शेकिनेस हो रही है, ब्लर है, इधर उधर जा रहे हैं, लेआउट है, ऑडियो सही नहीं है, ऑडियो ग्लिच हो रही है, ब्रिज हो रही है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी रील्स वीडियो में। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ लेकिन आप लोग समझ जाना, ये तीनों टिप्स तो ध्यान देने, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी है अपनी रील्स वीडियो अपलोड करते टाइम, आपको जो है जरूर से रील्स टैब में जो है फीचर कर देगी, आप बोल सकते हो रील्स के ऑफिशियल टैब में फीचर कर देगी। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी रील्स वीडियो अपलोड करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे रील्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो आपको हैशटैग वैशटैग अपने हिसाब से डाल देना, जैसे आपको जो भी ट्रेंड चल रहा है, आपको जो भी अच्छे लगते हैं, जो अपने दिमाग में आपको आ रहे हैं और ट्रेंड को देखते हुए जो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको इस चीज का ध्यान जरूर से देना है कि ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो नीचे जो है शेयर टू दी फीड, अब ये शेयर टू दी फीड का मतलब ये है कि आपकी जो है प्रोफाइल वहां पे फीड में दिखेगी या नहीं, तो आप बहुत से लोग जो है इसको बंद कर देते हैं, तो इस चीज का मैं बोलूंगा कि आपको जो है इसको इनेबल रखना है, क्योंकि ये कहना है कि आपकी जो है ऑडियंस पे रीच आएगी और आपके जो भी ऑडियंस आपको फॉलो कर रहे हैं वो जो आपको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो है वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपकी रील्स वीडियो जो है टैब में जो है फीचर होने के लायक बन जाएगी। यहाँ पे नीचे अगर आप ऑप्शन देखेंगे फेसबुक का, तो आपको फेसबुक पे भी शेयर करनी है। आप बोल सकते हो कि फेसबुक का जो आपको ट्रैफिक है या फिर आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको जो है फेसबुक पे भी देखेंगे, तो आप बोल सकते हो कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आएगा, तो अच्छा खासा जो आपको व्यूज और लाइक्स में देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, एंड कैसे जो आप यहाँ पे जेन्युइनली अपने इंस्टाग्राम रील्स के व्यूज इंक्रीज कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जेन्युइनली काम करो, क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है, एप्लीकेशन होती है, इंक्रीज करने के लिए बोलती है तो कुछ टाइम के लिए होता है भाई, उसके बाद भाई कुछ उसकी वैल्यू नहीं होती, सबसे ये चीज टोटल टाइम वेस्ट है। तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि जेन्युइनली काम करो। तो इतना से अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस में रोजाना अपने चैनल पर लाता रहता हूं, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।